गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग डिस्कस पार्ट सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज 10.3 एंड योर क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 5% इज ₹25। आपको दिया है कि किसी भी सर्टेन सम ऑफ मनी के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो जो है 2 साल के लिए 5% की दर से ₹25 है। आपको निकालना है फाइंड द सम कि वो सम कितना है, वो वाला पैसा कितना है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट द सम बी पी रुपीस, सम बी रुपीस पी, है ना। हमने मान लिया कि सम उसका पी है, क्योंकि पहले बात किया है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला के लिए आप सबसे पहले फाइंड करते हो क्या, अमाउंट। अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर टू पी 1 + r/100 n, जहाँ पर ए अमाउंट होता है, पी प्रिंसिपल होता है, आर रेट होता है और एन टाइम होता है। यहाँ पे आप पी निकालोगे, पी 1 + r आपको दिया है 5% क्वेश्चन में दे दिया है, अपॉन 100, और टाइम कितना दे दिया है 2 ईयर। ये फाइनली आपका आ जाएगा पी 21/20²। अब क्योंकि ये अमाउंट आगे निकालना कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है ए माइनस पी, कंपाउंड निकालना होता है हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। हमारा अमाउंट दिया हुआ है कितना, पी 21/20² और पी है माइनस पी कर देंगे, जहाँ से पी कॉमन लेते हैं तो फाइनली ये आ जाएगा 21/20² - 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 41p/400। ये तो आ गया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन साथ ही साथ आप क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट। अब पहले हम पी रुपीज पे इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे कितना आता है। आज देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है क्या, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इस बार पी को हमने पी ही माना है, आर हमको दिया था कितना 5%, टी दिया हमको 2 और 100 मेरे फॉर्मूले में होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली पी अपॉन 10। अब चूंकि दोनों का डिफरेंस दिया है, डिफरेंस में से आप कोई भी वैल्यू को किसी से माइनस कर सकते हो, लेकिन निगेटिव वैल्यू आपको कंसिडर नहीं करनी होती है। इट मीन्स अगर आपको तो यहाँ यहाँ आपको दे दिया है क्या 41p/100 - p/10 = 2500। डिफरेंस का मतलब कि आप हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे और निगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करते हैं इसमें, है ना। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, ये फाइनली इस वक्त तो ये जाएगा 410p - 400p/4000 = 25। इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना 10p/4000 = 25। ये 0 0 कैंसिल होगा, पी कितना आ गया आपको 25 × 400, ये आ जाएगा कितना आपका 10,000, यानी कि वो सम कितना मिला 10,000। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स एट 6 × 2.3% per annum इज 13,500। किसी भी सर्टेन सम ऑफ मनी पे 3 साल का 6 × 2.3% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ₹13,500 है। वट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द रेट फॉर द सेम टाइम पीरियड। आप कह रहा है कि उसी मनी के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसी टाइम पीरियड के लिए क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जबकि वो उसका जो रेट है वो कंपाउंडेड एनुअली कंसीडर किया जा रहा हो। आइए देखते हैं, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना दिया है आपको, पी दे दिया है आपको कितना, पी आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट दिया 13,500, पी निकालना है, रेट दिया 6 × 2.3% और टाइम दे दिया 3 ईयर्स / 100। पहले इसको सॉल्व करो, 13,500 = p × 6 = 18, 18 + 20 = 20, 20/3 करेंगे तो × 3/100 × 3 करेंगे, 3 × 3 = 25/100। फाइनली इसको मल्टीप्लाई करते तो पी कितना आ जाएगा 67,500। इट मीन जो वो सम था वो रुपीज कितनी थी, 67,500। अब चूंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये होता है कितना, ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हमने निकाला था 67,000, 1 + r/100, तो 1 + 20/3 × 100 - 67,500। चूंकि आर की वैल्यू दी थी 6 × 2.3%, उसको सॉल्व करोगे तो वो 20/3 आएगा, तो 20/3 × 100 3 हो जाएगा। ये फाइनली आप सॉल्व करोगे 67,500 - 16/15 × 16/15 × 16/15 - 67,500। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा ये 81,920 - 67,500। फाइनली यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना माइनस करने पे 14,420। इट मीन्स उस सम का जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ, 14,420 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट परसेंट पर एनम विल
₹31,250 अमाउंट टू 39,366 इन 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। आपको बताना है कि किस परसेंट पर एनम के हिसाब से 31,250 रुपये 39,366 रुपये बन जाएगा 3 सालों में, जबकि जो उसकी रेट है वो कंपाउंडेड एनुअली कंसीडर की जा रही हो। सबसे पहले वही काम करते हैं, ए इक्वल टू पी 1+R/100 की पावर एन। ए कितना दिया आपको, 39,366 इज इक्वल टू 31,250 1+R/100 की पावर, टाइम दिखता दे दिया है 3। आपको निकालना है क्या रेट, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, 39,366 / 31,250 इज इक्वल टू 1+R/100 की पावर 3। नौ अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका 27/25 का होल क्यूब नंबर है, इज इक्वल टू 1/1+R/100 पावर 3। ये फाइनली आपको कंपेयर करते हो तो बेस, अगर इसकी पावर सेम है तो बेस भी सेम होगी, तो 27/25 और कितनी हो जाएगी 1+R/100। फाइनली इसको कैलकुलेट करते हो दिया जाएगा 100+R इक्वल टू 108। आर कितना आ जाएगा आपका 108%, यानी कि रेट कितनी थी मेरी 8%। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹5,000 अमाउंट टू ₹6,655 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इस बार आपको बोला है हाउ मेनी ईयर्स, मीन्स आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और सिंस ए और पी में अगर कन्फ्यूजन है तो मैंने बताया आपसे कि जो भी वैल्यू बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो ए हम उसको कंसिडर करते हैं। तो ए कितना हो गया मेरा यहाँ पे 6,655 और पी कितना हो गया 5,000। इट मीन्स अब ये कह रहा है कि 5,000 रुपये कितने सालों में 10% ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,655 रुपये बन जाएगा। तो सबसे पहले हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू पी 1+R/100 की पावर एन। ये आपको यहाँ पे ए कितना दे दिया इस बार 6,655 दे दिया है, पी दे दिया है आपको 5,000, 1+R दिया है आपको 10/100 की पावर एन। आपको आपको एन कैलकुलेट करना है। फाइनली ये आ जाएगा 6,655/5,000 इज इक्वल टू 100 प्लस इसको करोगे तो आप जीरो कैंसिल होगा, 10 + 10 = 10 + 1 = 11 की पावर एन। अगर आप देखते हो तो ये देखो 11 का क्यूब है, ये जो है 10 का क्यूब है, 10/10 का होल क्यूब बन जाएगा और ये छोटे 11/10 की पावर एन। फाइनली कितना आ जाएगा आपका 3 ईयर। इट मीन्स 3 सालों में 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6,655 रुपये बन जाएगा। ओके थैंक यू।